बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज की मेरी वीडियो का उन्वान है, मौजू है, कंटेंट है वेला मुंडा, निकम्मा लड़का, निखट्टू, बेरोजगार, सुस्त इंसान, कई इसके नाम हम दे सकते हैं इन्हें। अच्छा, बात ये है कि जो वेला मुंडा होता है, निकम्मा लड़का होता है, जो बेचारा बेरोजगार होता है, आप यकीन माने मेरी सर्च के मुताबिक, तहकीक के मुताबिक वही बेचारा सबसे ज्यादा काम का इंसान होता है। अब सोच रहे होंगे वो कैसे यार, अगर आपका कोई भाई बेरोजगार है, निकम्मा है, कभी उसे वालदा कहेगी ये लो जाके फला चीज ले आओ, कभी उसे बहन कहेगी ये लो फला चीज ले आओ, कभी भाई उसे कहीं काम पे भेज रहा होगा। अच्छा, यहां तक तो ठीक है, लेकिन उनके जो कजन्स वगैरह होंगे, जो फुफीज होंगी, जो खालाल खालाएं होंगी, जो चाचू होंगे, जो कजन होंगे, वो भी कहेंगे यार इधर आना यार, ये काम है, आप ये काम करके आओ। कभी चाचा जी बुला रहे होंगे, कभी कजन बुला रहे होंगे, कभी खाला बुला रही होंगी, कभी फूफो बुला रही होंगी। क्यों? सबके जहन में यही होगा कि ये इस टाइम फ्री होगा, इसके पास कोई काम नहीं होगा, तो सारों के यही जहन में होता है चले इसे बुला रहे, इसे काम कह रहे। वो बेचारा या तो इनकार करेगा मुकम्मल ही, अगर इनकार किया तो सबसे बुरा बच्चा बन जाएगा, सबसे बुरा भाई बन जाएगा, सबसे बुरा कजन बन जाएगा, सबसे बुरा भाई भतीजा बन जाएगा, सबसे बुरा भांजा बन जाएगा। अगर इकरार करता है तो सारा दिन भमीरी की तरह घूमता रहेगा, हर किसी के काम आता रहेगा। अब बताएं कि वो निकम्मा जो इंसान है वो कितना बिजी होता है, और जो बिजी इंसान होते हैं, जो बारोजगार होते हैं, अगर वो 8 घंटे नौकरी करते हैं या 12 घंटे नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं, उनकी जो वर्किंग टाइम है वो तो चले वर्क कर रहे होते हैं, वर्किंग टाइम के बाद कोई भी उन्हें काम करने का नहीं कहता। क्यों? बेचारा थक्या होया, ये बेचारा काम से आया थका हुआ है, इसे ना कहो जी हाँ भाई आप इधर आओ, आप ये चीज ले आओ, हाँ भाई आप ये करो, ये थका हुआ है इसे कुछ ना कहो, आप रेस्ट करो रेस्ट करो। ये होता है या नहीं होता? आपके साथ भी होता होगा अगर आप बेरोजगार हैं, और जो काम वाले हैं, जो बारोजगार हैं, उनके साथ यही होता है, नहीं 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 इसे कुछ कहा, इसे कुछ ना कहें, ये बेचारा थका हुआ है, ए जरा सुता होया ना इन काम सारे आखो, ऐसे ही है ना। लिहाजा देखें, मेरी वीडियो का मकसद ये है कि ये जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, जो बेरोजगार होते हैं वही सबसे कारी के इंसान होते हैं, वही बेचारे काम के लोग होते हैं, वो हर फन मौला बन जाते हैं, उन्हें हर काम छोटा छोटा, हर काम छोटे छोटे आते हैं। जो काम वाले होते हैं उनका काम सिर्फ वही होता है, अगर वो जॉब करता है, जॉब के अलावा उसे कुछ नहीं पता, अगर वो कारोबार करता है, कारोबार के अलावा उसे कुछ नहीं पता, वो एक लिमिट में रहता है। और जो बेरोजगार है इसका जेहन वसी हो जाता है, वो कभी प्लम्बर बना हुआ होता है, कभी इलेक्ट्रीशियन बना हुआ होता है, कभी वो सब्जी वाला बना हुआ होता है, कभी वो फल फ्रूट वाला बना हुआ होता है, कभी वो घर के काम, चारपाई उठाई, पलंग उठाया, बेड उठाया, कभी वो शिफ्टिंग करा रहा होता है,
कभी वो क्या क्या कर रहा होता है, हर टाइम वो बिजी होता है। वो 24 घंटे में जिस टाइम वो सो रहा हो ना, अगर रात के टाइम, दिन को अगर सोया हुआ हो तो उसे उठा लेंगे। ये सारा दिन सुता रहना, इन्हें उठाओ जी, इन्हें काम तो भेजो, इससे यही काम कराओ, ये 24 घंटे सोया रहता है, इसे काम पे भेजो, काम पे भेजो। उस बेचारे के नसीब में वो जो 6 घंटे या 8 घंटे रात को सोना होता है ना, वही होता है नसीब में रेस्ट करने का टाइम। बाकी वो सारा दिन कोई ना कोई काम कर रहा होता है। मुझे उन दोस्तों से हमदर्दी है, मैं आज उन दोस्तों के लिए मैंने वीडियो बनाई ताकि वो भी मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वो भी कहें कि आज हमारे भाई ने, अख्तर भट्ट साहब ने हमारे लिए भी, हमारा भी कुछ सोचा। अल्लाह ताला आपका, हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह आप तमाम को खुश रखें।